तो जी हाँ, मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी कॉपीराइट वीडियो बिल्कुल इसी तरह जैसे ये सामने लिखा आ रहा है प्रोसेसिंग में चली जाएगी। ठीक है जी, ये कर्सर देखें, मैं इसके पास ले आके आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका कॉपीराइट रिमूव हो जाएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब कुछ आखिर होगा कैसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात, कैसे हैं व्यूअर्स, फूड एंड मूड पाकिस्तान चैनल में वेलकम। हाउ आर यू एवरीबॉडी, आई होप ऑल व्यूअर्स आर फाइन एंड गुड। तो आज का जो छोटा सा एक टॉपिक है, और वो टॉपिक जो है ना नए यूट्यूबर्स के लिए बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो है कॉपीराइट के हवाले से। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, जल्दी जल्दी बताऊंगा आप लोगों को, ताकि जिसके साथ भी जो ये प्रॉब्लम है कॉपीराइट का, उसका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। अब ये देखें, YT स्टूडियो पे हूं मैं इस वक्त, ठीक है, और मैंने ये पब्लिश की थी वीडियो 26 जुलाई को, आज 28 है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कॉपीराइट क्लेम आ गया जी। अब इस कॉपीराइट क्लेम को कैसे चेक करें, अब बंदा परेशान हो जाता है कि यार स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी, या कोई बैन तो नहीं लग जाएगा, कोई और किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा, कोई क्लेम आ जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो ये फॉलो करें आप स्टेप्स। तो आइए देखते हैं, ये देखिए आप कर्सर मेरा देख रहे हैं, कॉपीराइट पे आ गया। उसके बाद ये सी डिटेल्स में जाएं, देन ये देखें, यहां पे यूट्यूब साफ साफ बता रहा होता है नॉट अफेक्टेड, ये लिखा हुआ है इसने, ये देखें, ठीक है ना। आपको ये मैं The channel ID claim on your video does not affect your channel. This is not a copyright strike. ये देखिए हाईलाइट हुआ लिखा हुआ आ रहा था अभी, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो जो थी ये मेरी प्राइवेट नहीं थी, पब्लिक थी, ठीक है जी, और ये मोनेटाइज तो खैर अभी नहीं है। अच्छा, अब ये आप देखें रेड लाइन, और ये कॉन्टेंट फाउंड ड्यूरिंग कॉपीराइट, दरअसल आया कहां पे है और किस चीज पे आया है, देखें ये म्यूजिक पे आया है, मोनेटाइज इन सम टेरिटरीज, ये कर्सर आप देख रहे हैं मेरा, ठीक है ना। यूट्यूब को YT स्टूडियो को जो प्रॉब्लम आया है आपकी वीडियो से, वो जो ऑडियो में जिस तरीके का आया है उसने यहां मेंशन करके बताया है। अब मैं आपको सुनाता हूं इसको प्ले करके कि किस ऑडियो पर इनको एतराज है, सुनिए। रबर प्लांट जिसका नाम अभी हमें पता नहीं है, वही है हाँ, ये मोतिया देख, मोतिया है ये सारे ऑफिस टाइम है, और यहाँ पे देखे क्या खूबसूरत लग रहे हैं सदाबहार। तो जी सुना आपने, बच्ची की जो होस्टिंग है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसमें YT को एतराज हो गया भाई। तो अब देखें, तीन ऑप्शंस होते हैं आपके पास वर्क करने के लिए, कि अब आप तीन चीजें सोच सकते हैं कि आपने क्या करना है, यू वांट टू डू। देखें सबसे पहले तो आप ट्रिम आउट कर दें उस सेगमेंट को, ये देखें आपको जूम करके दिखा दें, उस चीज की कहानी खत्म कर दें, ट्रिम आउट कर दें, ठीक है। नहीं करना ऐसा तो आप सॉन्ग को रिप्लेस कर दीजिए, अगर आपको सॉन्ग भी रिप्लेस नहीं करना तो भाई कंप्लीट जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, होस्ट की आवाज, जिस किस्म की भी आवाज वीडियो में शामिल है उसको आप म्यूट कर दें। अगर आप ये म्यूट सॉन्ग कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके जो जितनी भी जो ये इसमें साउंड है, म्यूजिक है, वॉट एवर बैकग्राउंड या छोटी मोटी साउंड, जो भी सब कुछ म्यूट हो जाएगा 100% टोटली, ठीक है जी। बट मैं सेलेक्ट करूंगा रिप्लेस सॉन्ग को, ठीक है, रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक किया। अब ये देखें, ये आपको जो सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये YT की लाइब्रेरी है। अब इसमें आप जो चाहते हैं, जो समझ आ रहा है, प्ले करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं, thank you।
तो जी देखा आपने, तो मुझे कुछ समझ आ रहा है ये वाला साउंड, देखें ग्लास 2 मिनट्स और 47 सेकंड्स का, ठीक है जी। मैंने इसको ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें इसकी अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। हाँ जी, तो ये देखा आपने, अब इसको प्ले करके चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये गौर किया भाई आपने, ये ग्लास की जो हमने अभी ये वो म्यूजिक टोन है जो अभी हमने रिप्लेस की, ये देखें नंबर 2 पे 2 मिनट्स 47 सेकंड्स की, तो अब ये वो प्ले हो चुकी है, रिप्लेस हो गई है, ठीक है जी। दोबारा एक बार सुनाता हूँ आपको। तो जी देखा आपने किस तरीके से आप अपने ऑडियो म्यूजिक को, अगर उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाए तो किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर इस तरह का आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप ये स्टेप्स मेरे बताए हुए फॉलो करें और अपनी वीडियो को बिल्कुल परफेक्ट कर दें। और लास्ट में जी उसके बाद आप क्या करेंगे, देखें इसको सेव कर दीजिएगा। अच्छा, ये अब ये सेव करने के लिए ना टाइम लगेगा इसमें, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इसको सुकून से तसल्ली से पढ़िएगा। दिस प्रोसेस माइट टेक अ व्हाइल, वंस द ऑडियो क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली रिप्लेस वी विल अपडेट एनी विंग और मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शंस, यूजर्स विल कंटिन्यू टू सी द करंट वर्जन ऑफ योर वीडियो अंटिल द एडिट्स आर प्रोसेस्ड। ओके जी, इसको सेव कर दिया आपने। अब देखें, अब ये सिस्टम को अपडेट पे लगा दिया वाईटी ने आपकी वीडियो पे। अब ये जैसे ही वाईटी अपने सिस्टम को अपडेट करेगा, जो कॉपीराइट क्लेम लिखा आ रहा होगा वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, फी अमानिल्लाह।